Assalamu alaikum, this is Yazdan. Assalamu alaikum, this is Amir. Assalamu alaikum, this is Hamdan. So guys, हम हैं दिल्ली के हाईवे पे, 6 lane रोड है माशाल्लाह, और हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम देखने के लिए। उसका इतिहास आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। भाई जी, पार्किंग कहाँ पे? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। चिड़ते बहुत है भाई, ऐसे चिड़ते क्यों है लोग मुझे समझ नहीं आती, मतलब गर्मी ज्यादा है ना इधर इसलिए। तो जी पहुंच चुके हम हुमायूं टॉम एंट्रेंस है, आई थिंक यहाँ पे अभी टिकट लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी भी टिकट लेनी पड़ती है? फ्री में थोड़ी है। लो जी, एडमिशन फीस 40 rupees फॉर इंडियंस एंड 600 rupees फॉर फॉरेन टूरिस्टर्स। ये टिकट है 40 rupees की। तो अभी हम तीनों अंदर जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक गाइड ढूंढना है, सो दैट हमें हिस्ट्री पता चले हुमायूं के मकबरे की। पर उससे पहले राइट साइड में आता है ईसा खान का मकबरा, जो शेरशाह सूरी के कमांडर थे। शेरशाह सूरी अफगानी रूलर थे। चलिए सबसे पहले हम आपको अपने गाइड से मिलाते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत है वो, उनका नाम है इशरत। लेकिन ईसा खान ने बाद में डिसाइड किया कि भाई ये मैं एक इलाका परचेस कर लेता हूँ, यहाँ मेरी फैमिली दफन होगी, उनके 2 बीवियाँ और 3 बच्चे थे, तो ये उनका मकबरा है। ईसा खान के डिसेंडेंट हैं जो आगा खान हैं, बेस्ड हैं। अच्छा, और स्विट्जरलैंड में। करेक्ट। और उनके भी नीचे डिसेंडेंट जो है वो इमरान खान है, जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और प्राइम मिनिस्टर भी रहे। अच्छा जी, सेम फैमिली। ओके, सेम फैमिली है। अभी आगा खान उनका पैलेस हमारे पुणे में ही है। पुणे में पैलेस है, बेशक बेशक, आगा खान पैलेस। तो आजकल जो रिनोवेशन का जो खर्चा उठा रहे हैं वो आगा खान ही उठा रहे हैं यहाँ पे। आर्किटेक्चर जो आप देखेंगे, जो ब्लू टाइल्स थी वो ईरान से इंपोर्ट की गई थी, जोर में ग्रीन टाइल्स जो थी वो चाइना से इंपोर्ट की गई थी। अच्छा, जो सैंड स्टोन है वो भरतपुर और धौलपुर जो आगरा से 50 किलोमीटर पहले है वहाँ पर क्वेरीज थी, वहाँ से एक्सकेवेट कर ट्रांसपोर्टेड किए गए थे। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो हाथी थे, हाथियों की पीठ पर लाए गए सारे पत्थर। अच्छा, उसके बाद यहाँ तराशे गए और नक्काशी करके लगाए गए। ऑक्टागोनल शेप टोम जो है वो हमेशा आपको मिलेगी, क्योंकि इस्लाम में कॉन्सेप्ट है जन्नत के 8 दरवाजे हैं जी, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, तो हमेशा ऑक्टागोनल शेप टोम बनाते थे 8 दरवाज़ों वाला। तो यकीन ये था कि हमारे आमाल अच्छे हैं और हमें बाद में जन्नत मिलेगी, इसलिए ऑक्टागोनल शेप टोम थी। अंदर ईसा खान बीच में है, दोनों तरफ उनकी 2 बीवियाँ हैं, नीचे कदमों में उनके बच्चे हैं। अच्छा, एक साइड में सबसे पहले जो मस्जिद बनाई जाती थी, तो बैत हदीस में आता है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का एक महल बनाएगा। तो ईसा खान की मस्जिद दाईं तरफ है। ओके, दुनिया में चूँकि आप एक गॉड को मानते हैं, वॉट इज़ गॉड? GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्ट, पैदा करने वाला, पालने वाला, मारने वाला, वो काम 3 कर रहा है, लेकिन है एक, उसको अरबी में अल्लाह कहते हैं। सही बात। तो उसके लिए फरमाया, जब दुनिया में एक अल्लाह की इबादत हो तो एक सेंटर पॉइंट चाहिए आपको जी। तो मक्का जो है इसको सेंटर पॉइंट बनाया गया, और जो है दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं मुसलमान वो फोकस मक्का को करेंगे और इबादत करेंगे। ज्योग्राफिकली इंडिया जो है वो ईस्टर्न डायरेक्शन है और मक्का वेस्टर्न डायरेक्शन है। इंडिया की सारी मस्जिदों की जो फोकस डायरेक्शन है वो वेस्टर्न डायरेक्शन है, हम इबादत करते हैं वेस्ट की तरफ, वो मक्का उधर। उसके अलावा डेड बॉडी हम दफनाई देते हैं, तो हमारा सिर जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है और पांव साउथ की तरफ होते हैं। चेहरा हमारा, क्योंकि नॉर्थ में हमारा क़िबला है अव्वल, और दूसरा हमारा असली क़िबला जो है क़यामत तक का है वो दाएं इस तरफ, तो हमारा चेहरा उधर होता है मरने के बाद भी, लेकिन सिर हमारा नॉर्थ की तरफ होता है। तो अगर आप इंडिया में विज़िट कर रहे हैं और आपके पास ना तो गूगल मैप है और ना आप सिर्फ आप रास्ता भटक गए, अगर आप मस्जिद देखें समझ लो कि वेस्टर्न डायरेक्शन, डेड बॉडी देखें समझ लो कि यार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आपको इजीली डायरेक्शन मिल जाएगी, आपकी रहबरी हो जाएगी। माशाल्लाह, ये ईसा खान का मकबरा है, 1547 में बना था। अच्छा, ये ईसा खान जो हैं ये मैं एक बार कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो आगा खान थे उनके डिसेंट आप उनके फोर फादर्स? अच्छा, आगा खान के ये फोर फादर्स हैं ईसा खान, और ये कमांडर थे शेरशाह सूरी जो किंग थे अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान उनके कमांडर थे। इंडिया में ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, इंडिया का सबसे बड़ा रोड बनाया। ओके, कलकत्ता शुरू होता है, पाकिस्तान पेशावर पहुंच जाता है, इंडिया होता है। अच्छा, ओके, वो फाउंडर ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, ईसा शेरशाह सूरी, वेरी क्रिएटिव माइंड। ओके, लेकिन बाद में उनकी डेथ हो गई थी जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे कैनन फाउंड्री बारूद खाने को, किसी ने दिया सलाई फेंकी, ये खबर पहुंची ईरान, वापस हुमायूं आए जी, 1540 में गए थे, 1545 में वापस आए। अच्छा, और अपने आप को दोबारा डिक्लेयर किया कि मैं हिंदुस्तान। माशाल्लाह, और कैपिटल ये थी 8वीं दिल्ली है, दिल्ली 9 दिल्लियाँ हैं। अच्छा, पहली दिल्ली जो बनी है वो 3500 साल पहले बनी है, 3500 ईयर्स बिफोर जी। दैट वाज द टाइम ऑफ द पांडवास एंड कौरवास बैटल जी। इसको इंग्लिश में
अभी संस्कृत में इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। अच्छा, अभी भी आप मेट्रो से ट्रेवल करेंगे उस साइड पे, मेट्रो स्टेशन का नाम है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन। अच्छा, एक एविडेंस है, वरना उधर एक हुमायूं की जो मकबरा जो किला है उसकी फुटहिल में आप देखेंगे पानीपालीन टेम्पल, और जो गार्डन है वो इंद्रप्रस्थ गार्डन के नाम से मिलेनियम गार्डन से बना दिया। हाँ जी, जैसे मोहम्मद गोरी वो अफगानिस्तान से करेक्ट है, पहले बैटल में उनको डिफीट हो गई थी, दूसरे बैटल में उन्होंने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को और कैप्चर किया इलाके को। जो पहली मुस्लिम कैपिटल बनी वो लाल कोट थी, मोहम्मद गोरी कैपिटल थी। उसके बाद वो जाने लगे लड़ने रिबेलियन से बागियों से, अफगानिस्तान जो हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया था, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपॉइंट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, जो उनके गुलाम थे पहले, गुलाम रूलर नहीं बन सकता, कंडीशन ये आज़ाद होना चाहिए। सही सही, तो उसको पहले आपने आज़ाद किया, एक रुक्का लिखा गया, ऑफिशियल ऑर्डर निकाला गया कि नाउ ही इज़ नो मोर माई स्लेव, ही इज़ अ फ्री मैन नाउ फ्रॉम एवरी सॉर्ट ऑफ स्लेवरी एंड नाउ आई एम गोइंग टू अपॉइंट हिम एज़ माई रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद जब वो चले गए लड़ने अफगानिस्तान, तो वहाँ उनकी डेथ हुई, मोहम्मद गोरी वहीं दफन हुए, ये यहाँ के रूलर बन गए। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया। अच्छा जी, एंड पहली मस्जिद बनाई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तो इस्लाम की नॉर्थ इंडिया की पहली मस्जिद है जो, तो उसके अंदर क्या किया था इन्होंने कि जो मटेरियल था वो मंदिरों का लिया गया था, कॉलम के वो वहीं के रखे गए, मूर्तियाँ सी बताई गई थी, और इसी बोलते हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सा। अच्छा हाँ, राइट राइट, इवन अगर जयपुर में भी हम जाते हैं तो वहाँ पे भी इंडो इस्लामिक, मतलब वहाँ पे जो आमिर फोर्ट भी है तो वहाँ पे भी इंडो ये है, मतलब राजपूत मुगल आर्किटेक्चर। करेक्ट करेक्ट, राइट, राजपूत मुगल आर्किटेक्चर था। और जो है ये इसके चार पर्पस थे, कुतुब मीनार के नंबर वन विक्ट्री टावर था, मुसलमान फर्स्ट टाइम टावर में आए थे, दूसरा जो था टावर ऑफ अजान, पहली मस्जिद बनी थी तो अजान देने के लिए टावर। अच्छा, वो कुतुब मीनार जो है। हाँ, और तीसरा जो था दैट वॉच टावर टू वॉच द बाउंड्रीज ऑफ द कैपिटल। ओके, दुश्मन आ रहा है, दोस्त आ रहा है। जी जी, और चौथे नंबर पर टावर ऑफ रोमांस कहलाता है। अच्छा, तो बड़ा फनी पार्ट है इसका, नई जो बेगम आती थी हरम में उनको ऊपर ले जाते थे, वो 375 सीढ़ियाँ 375 ऊपर जाकर प्रपोज करते थे से आई लव यू अदरवाइज आई विल थ्रो यू, तो बिचारी को ना करने के डर। गाइस, ये हैं हमारे इशरत अली खान साहब, यहाँ पे ये गाइड है। जैसे आपने बताया ये ईसा खान की मजार मकबरा है, उनकी मजार एक तरह से। तो गाइस हम वहाँ से आए हैं अंदर एंटर, ये ईसा खान का मकबरा है माशाल्लाह, शेरशाह सूरी के कमांडर थे जैसे इन्होंने बताया माशाल्लाह। और ये है जो ये उनकी मस्जिद है, ये मस्जिद है ईसा खान की। तो यहाँ पे अभी भी अजान होती है और मेंटेनेंस वाली है? अब नहीं होती यहाँ पर, मतलब यहाँ पे मस्जिद बंदा नमाज पढ़ सकता है पर यहाँ पे कुछ होता नहीं है अभी, ना नमाज की इजाज़त है ना अजान की इजाज़त है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सालों से बंद हुई है। ओके, अंदर ऑफिसर का मकबरा है, ऑफिसर की मस्जिद है, वो खुली है, वहाँ जुमा की इजाज़त है। ऑफिसर मीन्स अफसर का, अफसर वाला गुंबद और मकबरा है। अच्छा जी, जो खास सिक्योरिटी ऑफिसर थे हमीदा बानो बेगम के। ओके, मुझे एक और चीज़ पूछनी है, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है जी, उसका जो उद्घाटन 1656 में हुआ था जी, जी, वो दैट वाज बाय इमाम बुखारी जी। इमाम बुखारी जो है वो असली इमाम बुखारी की औलाद हैं, बुखारा से बुलाए गए थे। अच्छा, मतलब वो असली इमाम बुखारी की औलाद हैं वो। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं बोला 1660 में कैसे उनकी औलादें हैं, उनकी औलादें अभी 15वीं जनरेशन चल रही है। जी जी जी, और बाप के बाद बेटा इमाम मिलता है, उसको कुरान हदीस याद करना पड़ता है। जी जी, तब जाके माशाल्लाह 15 जनरेशन इज गोइंग ऑन। अभी सैयद अहमद बुखारी साहब, उनके बेटे सैयद शाबान बुखारी है, नए इमाम बने हैं। असल में पत्थर जो थे वो गर्म हो जाते हैं सर, गर्मी के अंदर जी। दिल्ली का जो टेम्परेचर है जो मैक्सिमम जाता है समर में वो 50 डिग्री हो जाता है, 50, और जो मिनिमम जाता है विंटर में वो 5 डिग्री हो जाता है। ओहो, तो समर टाइम में जब ये पत्थर गर्म हो जाते थे, इसके लिए इन लोगों ने चूने की लिपाई ऊपर से की जो लाइम है, क्योंकि लाइम की क्वालिटी है कि एक तो ये एब्जॉर्ब करता है हीट को जी, और नीचे जो बिल्डिंग है उसमें डिस्पर्स करता है ह्यूमिडिटी को। अच्छा, ताकि नीचे ठंडा ठंडा महसूस हो। करेक्ट, और सारी हीट खुद एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो पत्थरों की ये खासियत है, ये सारे जो लगे हुए हैं यहाँ पर, चूने का प्लास्टर होगा। अच्छा, वो वाला। ओके, उसके बाद ये सॉफ्ट भी होता है तो डिज़ाइन कार्व कर सकते हैं आप। अच्छा, इन पत्तियों में जो था, जो पत्तियाँ थी वो रूबी एमराल्ड सफायर की थी। अच्छा, 1857 में जब ब्रिटिश ने टेक ओवर किया, बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल एम्परर थे वो हारने के बाद इसके अंदर छुपे थे मकबरे में हुमायूं साहब के। हाँ, तो कैप्टन हडसन ने जो अपनी बीर, हम जाएंगे अंदर, जो दीवार टूटी हुई है वो अपने तोप के गोरे से तोड़ी थी। हाँ, और फिर एंटर किया था ताकि उनको पकड़ा, और फिर उनको रंगून भेज दिया था कारा पानी के लिए बहादुर शाह जफर को।
तो उसके लिए मुझे। अच्छा यहाँ पे ये पूरे मकबरे में सफायर गोल्ड डायमंड सब लगे हुए थे ऊपर। अच्छा ओहो हो, अच्छा ये जो पत्ती है कॉर्नर वाली, ये व्हाइट वाली है जो, ओके इसमें जो पत्तियों की जगह वो थे पन्ने मानक और नीलम। हाँ मतलब स्टोन्स थे और सब 1857 के बाद यहाँ से लेके वो। हाँ सारे अंग्रेज हमारा सब कुछ। इंडियन रेलवे को जो पायनियर किया था और अंग्रेजों ने इसलिए किया था, पहली वजह इसकी ये थी कि रिमोट एरिया से जो उनको मिले सोना और जो हीरे जवाहरात जी, वो रेल के जरिए समंदर के सी पोर्ट तक पहुंचा दें और वहां से फिर इंग्लैंड भेज दें। बाकी तो ट्रेवल तो चली जाएगी, सही बात ट्रेवल कर लेगी। तो गाइस ये जो एंट्रेंस है ये है हुमायूं टॉम का, लाइक हुमायूं का मकबरा। ईसा खान बीच में है। अच्छा ये बीच में, ओके। दाएं तरफ उनकी बड़ी बेगम है, उनके दो बच्चे थे, ओके। और छोटी बेगम को उनके एक बच्चा, ओके। ये तीन पूरी फैमिली, इनका फैमिली ग्रेवयार्ड है, ओके। उस जमाने में जो डोम्स बनाए जाते थे गुंबद, उसकी एक वजह ये थी कि उस जमाने में ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी ना माइक्रोफोन थे जी। तो जब यहाँ पर लोग आते थे फातिहा पढ़ने इमाम के साथ में, मस्तूरात भारी खड़ियों को सुनती थी जी। तो जब वो अपनी फातिहा के बाद जोर से आमीन कहते थे तो ये डोम्स जो हैं गूंजते थे, क्रिएट करने के लिए इको, इको, ओके। इको की वजह से आपकी साउंड जो है वो बाहर तक पहुंच जाती थी, तो लेडीज़ भी धीरे से आमीन कह दिया करती थी। ये डायरेक्शन मक्का की है, बेट साइड में। अच्छा ये वाला, इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं। अच्छा यहाँ पर लिखी हुई हैं, दिस इज़ द डबल आर्किटेक्चर, इसीलिए लोटस बर्ड सिंबल ऑफ प्योरिटी इन हिंदू माइथोलॉजी। हाँ ये सनफ्लावर सिंबल ऑफ गुड लक इन हिंदू माइथोलॉजी। एंड दिस इज अरबिक अल्फाबेट कॉल्ड AAH अल्लाह द ऑलमाइटी। एंड दिस इज द वर्स ऑफ द कुरान, द थ्री वर्सेस आर रिटन हियर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल सदकल्लाह फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम जो है अरबी में है, बाइबल में इनको अब्राहम बोला गया है, करेक्ट, और संस्कृत में इनको ब्रह्मा कहते हैं। अच्छा जी हाँ, उनकी दो बीवियाँ थी, लाइक दिस इज ये मुझे नहीं पता था, लाइक इब्राहिम को ब्रह्मा कहते हैं, जो भी हिंदुइज्म में जो ब्रह्मा जिनको मानते हैं, सावित्री सावित्री गायत्री माता है। हाँ हाँ, वो हाजरा और सारा है असल में अलैहिस्सलाम जी। हाँ ये अरबी ये तो पहली बार पता चला, बहुत सारी पता चलेंगी सर मैं भी माशाल्लाह। ये दाऊद का काम करता हूँ, वो तो मैं आपकी बात समझ के सुन के ही मैं समझ गया था। तो यहाँ कहा जा रहा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका मफहूम है, कुल सदक अल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह जो है सच्चा है, और फत्तबे व मिल्लत इब्राहीम हनीफा, तो आप इब्राहिम के पास हो या मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करें। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मूर्तियों के पूजा करने वाले नहीं थे, वो अल्लाह की इबादत करने वाले। माशाल्लाह घुसपम्स सही है। दूसरी बात यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल-मुल्क तूती अल-मुल्क मन तशा, शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा यहाँ मेहरबान यहाँ से करने वाला है। और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, अल्लाह ताला ही का सारा मुल्क है, तो उतिल मुल्क का मंतशा, जिसको चाहता है उसका कुछ हिस्सा दे देता है, एज ए रूलर हाकिम जी और बादशाह खालिक। और उसके बाद वतनज़िउल मुल्क मिन मंतशा, जिससे चाहे ले लेता है, वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु, जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिससे ज़लील करता है। हर चीज़ पर वो कुदरत रखने वाला है। यहाँ तीसरी आयत में दूसरी चीज़ दिखाई गई है। अच्छा ये भी आयत लिखी हुई है, सब कुरान की आयतें यहाँ से शुरू होती हैं, बिस्मिल्लाह से। देखा आप, विदाउट कंप्यूटर्स मशीन एंड टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज वेरी आइडेंटिकल सिमिलर, माशाल्लाह, ऑल डन बाय ऑल टूल्स एंड टेक्स जी जी। अच्छा ऊपर वो जो ऊपर आयतल कुर्सी है, जो ये है ये आयतल कुर्सी है, ये बीच वाली है। अच्छा जी डब्बा जो है, अजान अजान बेहतरीन अजान है माशाल्लाह। सो जनाब आपसे एक बात पूछनी है कि जो ये हुमायूं थे बादशाह हुमायूं, ये थे कौन? ये असल में मुगल थे। मुगलों का जो राज शुरू हुआ है वो 1526 से शुरू हुआ है। अच्छा जी। और जो फरगना था समरकंद में, वहाँ के जो रूलर थे बाबर जी, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उनका पहला नाम था, बाबर उनका तखल्लुस था। अच्छा। जैसे इनका पहला नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद था जी, तखल्लुस इनका हुमायूं, ओके, जलालुद्दीन मोहम्मद नाम था, और इनके बेटे अकबर थे, बड़े हिंदुस्तान के बड़े बादशाह गुजरे। तो ये मुग़ल थे, असल में मुग़ल जो वर्ड लिया गया मंगोल से लिया गया, करेक्ट, क्योंकि मंगोल जो थे वो कम्युनिस्ट जी दुनिया में उधम मचा रखा था। सही बात। उस पर बाद में कुछ लोग जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हुए, तो जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए वो मुग़ल कहलाए मंगोल। पहले तुर्क हुए थे कन्वर्ट जो हुए थे इस्लाम में,
ये तुर्कों की औलाद, तुर्कों की औलाद है। अच्छा जी, जो हुमायूं हैं आए समरकंद से हैं जी, और ये बीच में जो उनका मकबरा है ये अबू हलीमा का मकबरा है। अच्छा, अबू हलीमा वो जो थी वो दाई माँ थी अकबर की। ओके, अकबर की दाई माँ। ओके, जब पैदा हुए हुमायूं के बेटे थे जी जी, और हमीदा बानो बेगम उनकी वालिदा थी जी, तो बचपन में उनका पालन पोषण इन्होंने किया था। ये बड़ी मकबूल थी बच्चों में और फैमिली में, जब उनका इंतकाल हुआ यहाँ दफन किया और गेट का नाम अबू हलीमा गेट रखा गया। अच्छा जी, माशाल्लाह में जी। अभी हम चल रहे हैं हुमायूं बादशाह के मकबरे की तरफ, और ये देखिए मतलब हम थोड़ा सा पीछे थे तो कितनी धूप थी, और अभी एकदम छांव हो गई, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मतलब किस तरह से इसको डिज़ाइन किया होगा ना इन्होंने, यही वजह थी। और उस टाइम पे तो इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होगी और इतनी ज़्यादा गर्मी, और उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी वगैरह जो अभी जैसे महसूस होती है। उस टाइम वेदर अच्छा था, पोल्यूशन कम था, और वो जो लोग थे वो थोड़े सॉलिड ज़्यादा थे, अभी कमज़ोर हो गए, तगड़े थे। मैंने ये चीज़ नोटिस की, अभी जैसे हम जामा मस्जिद भी जाते हैं ना, वहाँ पे जो जा नमाज का वो जो ये ब्लॉक होता है, इतना बड़ा ब्लॉक, उस पर दो बंदे, एवरेज हाइट जो थी उस टाइम 7 feet थी, सात फुट, फिर 6 feet हुई, अभी जो है वो 5 feet हुई एवरेज हाइट इंडियंस की। अरे अरे, धीरे डिक्रीज हो रही है, इसलिए अभी सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, सीढ़ियाँ उनकी हाइट के हिसाब से लंबी थी, क्योंकि हमें टाइम रुकने पर चढ़ने में लोगों को, क्यों, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। वही मैं सोचूं, रिक्वायरमेंट वही कम है। हर पुराने मॉन्यूमेंट्स में जगह पे, हर मॉन्यूमेंट में हमेशा जो वो पौड़ी होती है ना वो थोड़ी ऊँची होती है जी। मैं वही सोचूं, मैं बोले इतनी ऊँची पौड़ी क्यों रखते हैं ये लोग। ये अबू हलीमा का मकबरा है। अच्छा, ये वाला कुरान की आयत लिखी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ऊपर रखा है, और नीचे जो लिखा है इसको बोलते हैं अरबी कैलीग्राफी। अच्छा जी, इसमें लिखा है कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। माशाल्लाह, हर चीज़ फना हो जाएगी लेकिन उसकी ज़ात बाकी रहेगी। ये क़यामत के दिन का ऐलान है, ताकि हर आदमी उसके माइंड में रखे, तैयारी करता रहे। जब भी आप ये चीज़ें बोलते ना मुझे रहमान के इसमें घूस पम्स आते हैं, वो जैसे वो इब्राहिम अलैहि सलाम का भी, वो जो आपने वो ये बोला। और ये जो कलर्स हैं जो ये ऊपर जो आप कलर, ये कलर नहीं है, ये ब्लू टाइल्स हैं, ईरान से इंपोर्ट की गई थी। अच्छा, ये टाइल्स हैं, इनले किया गया है लाइम के अंदर, मतलब लाइम सॉफ्ट होता है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जो ग्रीन टाइल्स है वो काट कर, वो चाइनीज इंपोर्टेड टाइल थी, उनको काट के डिजाइन बनाए गए हैं। ये पर्शियन डिजाइन है, इंडियन डिजाइन पर्शियन, दिस इज एग्जांपल ऑफ द इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर फर्स्ट टाइम। माशाल्लाह। हमीदा बानो बेगम जो वीडो हो गई थी, वो जब सऊदी अरबिया गई हज करने, तो वहाँ ईरानी आर्किटेक्ट को देखा जो वहाँ तामीर कर रहे थे, बड़े बड़े गुंबद और महल बना रहे थे, उनको पसंद आई, उन्होंने उनसे जाकर कहा कि अगर आप यहाँ से फ्री हो जाएं तो मैं आपको इन्विटेशन देती हूँ इंडिया, हिंदुस्तान आने का, मुझे भी एक मकबरा बनाना है अपने शोहर के लिए, जो दुनिया में अकेला खूबसूरती की मिसाल में, और मेरी अकीदत उसके अंदर हो कि एक शोहर की बाल भी बीवी की इज्जत कम नहीं होती। माशाल्लाह। अच्छा, आपने जो बोला था वो जो बाहर जो एक मकबरा था वो हलीमा बेगम, बू हलीमा, बू हलीमा, और ये इसी के गेट को वही नाम दिया गया, बू हलीमा गेट दिया। ये अरब सराय है, तो जब ईरान के लोग अरब में काम करने के बाद या हिंदुस्तान आए थे, इनविटेशन दिया था हमीदा बानो बेगम जो बादशाह हुमायूं मरहूम की तो अहलिया थी और अकबर बादशाह की वालदा थी, तो उनको यहाँ एकोमोडेशन दिया गया था। इसका नाम है अरब सराय, सराय कहते हैं गेस्ट हाउस को। अच्छा, ये वाला, ये मतलब गेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस था। ईरान के लोग यहाँ उनको एकोमोडेशन दिया गया था। माशाल्लाह। और इधर हिंदुस्तान के लोग खैर थे जो आर्किटेक्ट हैं जी, उन्होंने अपना एक आर्किटेक्चर प्लान मिक्स किया था, और ये पहला एग्जाम्पल है इंडो ईरानियन आर्किटेक्चर मिक्स, हुमायूं टॉम। माशाल्लाह। अच्छा, इसमें आप देखें जो गेट हैं उसके ऊपर डोर बेल ऊपर लगा रखी है बहुत ही, हाथ से नहीं बजा सकते उनको। तो फिर क्यों? क्योंकि ईरानियन जो लोग थे उनका नेचर दूसरा था, वो जैतून का तेल इस्तेमाल करते, हम यहाँ सरसों का और खोपरे का तेल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उनका खान पीन अलग, उनका रहन सहन, उनका मूड अलग। यू कैन नॉट मेक फ्रैंक विद देम और जॉब एवरी टाइम। आप नोक करके भाग गए, वो बेचारे बेवकूफ थोड़ी हैं जी, वो तो पिटाई कर दें किसी। तो इसलिए ऊपर डोर बेल लगाई थी। अच्छा, ये दो जो गार्ड्स बैठते थे, जरूरत होती तो उनके पास लंबे भाले थे। अच्छा, वो भालों से बुलाते थे कि भाई आपसे कोई मिलने है, या फिर उनके जो मिलने वाले अरब से या ईरान से आते थे वो ऊँटों पर आते थे। ऊँट ऊँचा होता है, बैठे होते तो खुद बैंक कर लेते। करेक्ट करेक्ट। माशाल्लाह। रीजन था, इसलिए बहुत ऊपर देखें डोर बेल्स लगाई गई हैं। वालेकुम अस्सलाम जी जी, जज़ाकअल्लाह। जो ये वाला रास्ता है और ये वाला रास्ता है, इधर रहते थे ईरानी जो उनके मेहमान आते थे, और इधर रहते थे हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट्स रहते थे, ये दोनों जगह पे जो ये बना रहे थे हुमायूं टॉम। बस अच्छा, यहाँ पे पूरी नॉलेज दी हुई है उन्होंने। अच्छा, ये रेनोवेट हुआ है अभी? हाँ, ये वो लोग हैं जो काम के माहिर हैं, और इनके फोर फादर ने ओरिजिनली काम किया था।
अच्छा उन्हीं को इजाजत है यहाँ पे आने की? नहीं, क्या हो रहा था कि ये डिसाइड किया गया भाई ये आर्ट जो है डाइंग आर्ट है, क्योंकि अब तो नई टेक्नोलॉजी है, लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो दिस वाज अ डाइंग आर्ट जस्ट टू गिव अ न्यू लाइफ टू सर्वाइव द ओल्ड आर्ट एंशिएंट आर्ट. तो दे कॉल द डिसेंडेंट ऑफ द रियल आर्टिस्ट हु वर्क ओरिजिनली इन दिस बिल्डिंग. माशाल्लाह. और ये पूरा प्योर हाथों से करते हैं, पूरा का पूरा रेनोवेशन हाथों से हुआ है. देखिए गाइस, ये देखिए कितना ज्यादा ये हार्ड वर्क है, इसको कितना टाइम लगता होगा ना जो इन्होंने किया है. इवन जो ये भी किया है आज की डेट में तो बहुत आसान है. अब दो फायदे हुए, इनको रोजगार मिल गया, सही बात, और इनको फुल टेक्निक से काम करने का. और ये जो जो ये आर्ट मर रही थी वो जिंदा हो गई. हजरत निजामुद्दीन औलिया हिंदुस्तान के दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं, निजाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद. ओके, उनके बाद में. हाँ, और वो पहले थे, वो पहले थे और ईरान चिश्ती से आए थे. हाँ, और वहाँ उनकी उम्र में भी फर्क है, बहुत फर्क है. वो चले थे ईरान चिश्ती से और पहले ढाका क़याम किया, फिर अजमेर आए. ओके, एक सफर में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा माशाल्लाह. सबसे पहले दाई वो हैं दावत देने वाले. और ये जो 90 लाख कलमा जो लोगों ने पढ़ा है, ये हम बात कर रहे हैं जैसे वो ईरान से चले थे ढाका की तरफ, फिर जो हिंदुस्तान में आए उस रास्ते की. नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा. अच्छा, ओके. तो वो आके पहले दाई थे दावत देने वाले इस्लाम को, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर थे. इनको दिल्ली बिठाया गया मशवरे से, उनके आप यहाँ बैठ कर दावत का काम करेंगे. अच्छा, तो आज मरकज़ है पूरी दुनिया का, वो इसी जगह है जहाँ उन्होंने शुरू किया था 800 साल पहले. अच्छा, जब उर्दू जो थी वो इन्होंने ईजाद कराई थी. इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया था. अपने सबसे बेहतरीन शागिर्द थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उनके डिसेंडेंट थे, डिसाइपल थे, डिसेंडेंट डिसाइपल थे उनके, शागिर थे जी. उनसे कहा कि भाई काफ़ी लोग आ रहे हैं सीखने स्पिरिचुअलिटी एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो ऐसा करें अरब आ रहे हैं, फारसी वाले आ रहे हैं और बंगाली और तमिल सब आ रहे हैं, ऐसा करो एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो पैगाम देने के लिए. तो उन्होंने अरबिक, पर्शियन, तुर्किश, संस्कृत, बंगाली, तमिल, मलयालम, सिंगल, उन सबको मिक्स करके जो चीज़ निकाली वो उर्दू थी. तो उर्दू निकालने वाले थे हजरत निज़ामुद्दीन औलिया. ये कौन सी ईयर में? दिस वाज इन लाइक 1200. और जो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे वो 1100. अच्छा, 100 साल का फ़र्क है. माशाल्लाह. सो ये गाइस 16 मीटर टॉल है ये जो ये मकबरे का मेन एंट्रेंस है, गेट है ये. इसमें देखिए आप जो स्टार दे रखा है, स्टार ऑफ डेविड है, दोनों स्टार्स. हाँ, ओके. लेकिन बाद में जो हिंदू आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने इसको लोटस इंसर्ट करके तांत्रिक स्टार बना दिया. अच्छा, ये बाद में हुआ? बाद में, उसके साथ उसी दौर में हुआ. ओके. और ये टेंपल आर्किटेक्चर है. ओके. तो जो मुगल्स थे उनके यहाँ स्टार मिलेंगे, सोलोमन स्टार, स्टार ऑफ डेविड और दूसरे रिलीजियस साइंस मिलेंगे. उनका मंशा ये था, इफ द गॉड इज वन देन ऑल प्रोफेट्स ब्रॉट द कमांडमेंट फ्रॉम द वन गॉड. And the religion is for the welfare, not for the warfare. जी, welfare. तो ये decoration के लिए use करते थे star, but a message was behind. Religion is for the welfare, not for the warfare. Correct. Respect. At the end, there is only one God. तो ये हम जो देखने जा रहे हैं, इसे बोलते हैं father of the wonder of the world. ताजमहल is called the wonder of the world. So the father of Taj Mahal. MashaAllah. This was built by the queen for the emperor. एंड ताजमहल वॉज बिल्ट बाई दी एम्परर फॉर द किंग. यहाँ हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं बादशाह के लिए बनाया था और ताजमहल शाहजहाँ ने मुमताज महल के लिए बनाया था. यह है नेचुरली वो यमुना नदी ने दिया. ओके. यहाँ से गुजर रही है, ताजमहल तक निकल रही है. अच्छा, डायरेक्ट इधर से ही है? इधर से सीधा आगरा. ये एग्जैक्टली सेम, मतलब ताजमहल इसकी कॉपी ऑफ कोर्स, बट जिस तरह से ताजमहल इज मेड ऑफ फुली मेटाफॉर्मल मार्बल. हमीदा बानो बेगम जो हुमायूं की बीवी थी वो बेवा हो गई थी, ट्रेजरी में पैसा कम था और छोटे से 11 साल के अकबर साहब की प्रोटेक्शन भी करना थी उनको, क्या अगला बादशाह वही बनने वाले. सही. इसलिए जब कंडीशन में भी उनका यकीन कि मुझे एक ऐसा यादगार बनाना है ताकि दुनिया को पता चले कि मुसलमान औरतें पर्दे में रहकर भी इतनी क्या कर सकती हैं. नहीं, मुझे ये सच में अभी आज पता चला कि जो ताजमहल है वो कॉपी है हुमायूं टॉम की. बिल्कुल. ये मतलब 90 साल पहले बना था, वो 90 साल बाद बना. देख लो. और वो भी एम्परर के लिए था, उसी एम्परर ने बनाया. वो बेगम की मोहब्बत में बनाया था. ये बेगम ने अपनी शोहर की मोहब्बत में बनाया. माशाल्लाह. मालूम ही नहीं था अपने को ये. अच्छा, जो फाउंटेंस है फंक्शन जो कर रहे हैं वो पानी जो है रिवर से नहीं आ रहा बल्कि कुएं हैं साथ में, उन कुओं से आता है. तो आज भी वहीं से आता है? हाँ, आज वहीं से आता है.
उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, माउंटेन्स वर फंक्शनिंग विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ओल्ड इंजीनियरिंग। एंड ब्रिटिश टुक ओवर द चार्ज, दे कैप्चर्ड फ्रॉम हियर द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड दे सेंट हिम टू रंगून बर्मा फॉर एवर ब्लैक वाटर इंप्रिजनमेंट। उसके बाद उन्होंने 1.5 किलोमीटर तक का एरिया जो रिवर पीछे यमुना का था उसको फिल करके रेलवे ट्रैक बना दिए। अभी ये रेल की आवाज आ रही है ना आपको, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की। अच्छा, ये वही अपना कलकत्ता पहली कैपिटल थी अंग्रेजों की और नई दिल्ली दूसरी कैपिटल। तो ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन यही है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पुश कर दिया रिवर को अंग्रेजों ने। जब महात्मा गांधी जो रह रहे थे बिरला हाउस में नई दिल्ली में, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारी उनको, दिस वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री। अगले दिन 31 जनवरी को उनकी डेड बॉडी वहाँ बिरला हाउस से जमुना के किनारे पर लाई थी, जहाँ उनका क्रीमेशन करना था। जब कर दिया तो 31 जनवरी को उनकी राख जो है वो जमुना के किनारे दफना कर और मेमोरियल बनाना था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया दोबारा जमुना को पुश किया जाए 1.5 किलोमीटर और, तो फिर पुश करके उस बैंक को उन्होंने गार्डन बनाए और वहाँ पर गांधी की राख को रख के, जहाँ राजघाट है आजकल, हाँ वो महात्मा गांधी की राख रखी है वो बनाया। तो अब जमुना जो है 3 किलोमीटर दूर हो गई है। अंग्रेजों ने 1.5 किलोमीटर पुश किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर दूर 1.5 किलोमीटर पुश करके 3 किलोमीटर दूर कर दिया। 60 लोगों की खबरें हैं अंदर, 160 लोगों की। बादशाह हुमायूं हैं, उनकी बेगमें हैं, बिग्गा बेगम है, हमीदा बानो बेगम। कितनी बेगम थी उनकी? 3 बेगम थी। ओके, अंदर उनकी खबरें हैं। और उसके अलावा उनकी औलादें, औलादों की औलादें, ग्रैंड ग्रैंड सन, नेफ्यूज एंड नीसेस, एक्सेप्ट द रूलर। रूलर अपनी कैपिटल पे दफन है, बाबर जो है वो अफगानिस्तान में दफन है, हुमायूं अपनी कैपिटल में दफन है। इनके बेटे ने अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया था। अच्छा, बेटे इनके अकबर, इनके बेटे हैं। ओके, तीसरे एम्परर थे मुगल डायनेस्टी के, उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा शिफ्ट की थी, आगरा फोर्ट उन्होंने बनाया था 1565 में जी। फिर सेकंड कैपिटल फतेहपुर सीकरी बनाई थी, समर कैपिटल। हाँ। दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है वहाँ पर। हाँ। तो उसके बीच में सिकंदरा में वो दफन है। उनके बेटे और जोधा भाई के बेटे सलीम जहांगीर थे, जो जिन्होंने कैपिटल लाहौर बनाई थी, जो उस टाइम इंडिया का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान में चला गया, वो वहाँ दफन है। शाहजहाँ, उन्होंने कैपिटल पहले आगरा बनाई, फिर दिल्ली बनाई जिसको आजकल पुरानी दिल्ली कहते हैं, वो शाहजहानाबाद थी, जिसमें लाल किला था, चांदनी चौक थी और जामा मस्जिद थी जहानुमा। लेकिन बाद में तीसरे बेगम की याद में ताजमहल बनाया, तो फिर वो वहीं दफन हुए बाद में। और उसके बाद औरंगज़ेब ने औरंगाबाद बनाया आखिरी में शिवाजी की वजह से जी, जी। और उसके बाद बीबी का मकबरा ताजमहल से कॉपी किया गया, ताजमहल को यहाँ से कॉपी किया गया और वहीं दफन। अच्छा, उसके बाद चलती रही डायनेस्टी यहाँ पर, लेकिन लास्ट में बहादुर शाह जो जफर थे वो 92 ईयर्स ओल्ड थे और वो पॉइंट थे, गज़ल अच्छी लिखते थे। अपना मकबरा उन्होंने यहाँ महरूलों बनाया था कि यहाँ दफन होगा, लेकिन बाद में हारने के बाद 1857 में यहाँ छुपे, यहाँ से पकड़कर अंग्रेज़ों ने उनको रंगून भेज दिया काला पानी। और तो रोते हुए जा रहे थे, गज़ल कह रहे थे, दो गज़ जमीन भी नबी पूछा यार कितना बदनसीब है। तो अपने हिंदुस्तान को याद करते हुए जा रहे थे और रंगून दफन हुए जाके, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कब्जा किया, नई दिल्ली जो बनाई अंग्रेज़ों ने बनाई, उसका नाम न्यू दिल्ली रखा। तो अल्टीमेटली शाहजहाँ कैपिटल पुरानी दिल्ली हो गई। अच्छा, 1947 जब इंडिपेंडेंस मिली तो सारी नई दिल्ली मिलकर एक हो गई ना, उसको सिटी ऑफ सिटीज़। ओके, तो गाइस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जो मुझे आज पता चली, कि जो ओरिजिनल डेड बॉडीज़ होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं इस्लाम के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए जो जो ज़मीन होती है पूरी फ्लैट होनी चाहिए, जो ज़मीन के अंदर बंदा होना चाहिए, और उसके ऊपर मकबरा बनाया जाता है। जस्ट टू आप जैसे अभी बोले कि भाई जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं वो आएँ और उनको सेटिस्फेक्शन मिले, वो दे प्रे करें फॉर द पीस ऑफ द डिपार्टेड सोल एंड कैन गो अवे। रीज़न टू अवॉइड दी यू नो एक्सकेवेशन ऑफ द डेड बॉडीज बाई एनी मीन, मतलब कि जो दुश्मन है दुश्मन उसकी बेअदबी ना करें, उसकी ना बेअदबी करें ना खोद के निकालें। हाँ, इसलिए उसको कवर करके हाई प्लेटफॉर्म पर एक डुप्लीकेट ग्रेव बनाई जाती है, ताकि लोग आए देखें और उनके लिए प्रे करके और तसल्ली करके जाएं। सही बात है। तो ये हर जगह का है, चाहे ताजमहल देखे चाहे यहाँ देखे, हर जगह पे ओरिजिनल जो छोटे दरवाजे हैं उसके अंदर ओरिजिनल कब्रिस्तान है जी। उसके ऊपर जो है वो बीच में बड़े डोम के नीचे हुमायूं की है, उन्होंने उनके बहन भाई हैं। उसके अलावा दारा शिकोह, शुजा वगैरह सारे और अजम की पोती सब यही दफन है, सारे यही ही है सारे। ओके, सो गाइस इन्होंने हमें बताया अभी कि मुगल्स यूज टू रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, रिलीजन नहीं बट एवरी ह्यूमन, राइट। और इवन जो उनके घर के जो कर्मचारी थे, जो चाहे उनकी दाई थी, अभी दाई का मकबरा इतना बड़ा मकबरा, अभी जैसे आपने बताया कि वो जो सामने मकबरा है वहाँ पे आगे वो नाई का मकबरा, उनके नाई का मकबरा है बारबर। तो आप अभी उसकी कुछ कहानी बता रहे थे। हाँ, तो जो इनके दुश्मन थे वो थे लोधी और सूरी। अच्छा, दोनों इनके दुश्मन थे, शेरशाह सूरी के लोग,
और इब्राहिम लोदी के लोग इनके दुश्मन थे जी, क्योंकि इन्होंने दोनों को हराया था और फिर यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की थी मुगल हुकूमत जी। तो इन्होंने पहले नोटिस किया कि भाई कौन इनके करीब है जो इनको मार सकता है। हाँ। तो उन्होंने देखा कि नाई सबसे करीब है जो हर जुमे को शेव बनाने जाता है, खत बनाने जाता है। तो उसको बुलाकर ब्राइब देने की कोशिश की कि आप इतना अमाउंट रखें और एंजॉय योर लाइफ, बी ए बिलियनेयर। लेकिन एक छोटा सा काम ही है, जब आप शेव करने के लिए अपना ब्लेड गर्दन पर रखेंगे काट दें बजाय बनाने के, इतना सा काम। उसने कहा ना आपके लिए इतना सा काम होगा, मेरे लिए बड़ा काम है, मैं बहुत फेथफुल हूँ, वफ़ादार हूँ, मैं दुनिया में वफ़ादार रहना चाहता हूँ और मरने के बाद भी वफ़ादारी में मेरा नाम रहे, इसलिए आपका पैसा आप रखें, मुझे नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से उसकी कदर बढ़ गई, महल में भी एक हिस्सा और यहाँ असली जो रॉयल ग्रेवयार्ड है उसमें भी एक उसको जगह मिली। नाई का मकबरा बड़ा अच्छा है, उसके पीछे फिर वो नीला गुंबद है जहाँ इमाम बुखारी साहब की औलादों में से जो इमाम थे वो वहाँ बैठा करते थे, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ाने मस्जिद जाते थे, कोई डेड बॉडी आती तो उसके अंदर कफन दफन में साथ रहते थे नमाज़ पढ़ा कर, और महल में जाते थे जब शादियाँ होती थी या जब उनका कोरोनेशन होता था, जब उनकी इंतकाल हो गया तो वो ब्लू डोम या नीले गुंबद में दफनाए गए। और ये देखिए आप, सिमेट्रिकल बैलेंस जो है वो खाली आर्किटेक्चर में नहीं था बल्कि नेचर में भी था। आप इधर आकर देखें, झरना है जी, उसके पीछे कुआं है, अच्छा। कुएं से इसका कनेक्शन है, जब वॉल खोलते हैं मैनुअली पानी वहाँ से गिरता है, तो यहाँ से पानी तो यहाँ चैनल्स के जरिए से ये पूल में डिपॉजिट होता है। और ये क्रिस क्रॉस चैनल है, क्रिस बना रखा है क्रिस क्रॉस। उसके बाद चार कोनों पर चार पेड़ हैं, एक स्पीशीज के हैं फाइकस इन्फेक्टोरिया, करेक्ट। यहाँ तीन फाइकस हैं, फाइकस बेंगोलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा जिसको पीपल बोलते हैं, ये फाइकस इन्फेक्टोरिया कदम बोलते हैं। ये जो डिज़ाइन है इन चैनल्स का, इतना बेहतरीन डिज़ाइन है कि इसके ज़रिए से पानी गार्डन के हर हिस्से में पहुँचा कर हरियाली बाकी रखी जाए। माशाल्लाह, देख लो, मतलब ये वाला जो है ये पानी वहाँ पे भी जाता था सामने, वो जो फाउंटेन है, तो वो फाउंटेन तभी का है या अभी बनाया? अच्छा, ये ओरिजिनल है, सारे ओरिजिनल। माशाल्लाह। और ये पानी अंदर भी मतलब ये कहाँ जाता है, ये आगे? अच्छा, ये जो है ये आगे, ये भी गार्डन में ही जा रहा है? अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, बेहतरीन डिज़ाइन है इसका। ये ख़ासियत है ताजमहल की, वो यहाँ से कि हर एंगल से ताजमहल अच्छा लगता है, अलग एंगल से दिखता है। ये यहाँ से लिया गया, आपने आज फ्रंट से देखा था जी, अभी आप यहाँ से देखेंगे दूसरा एंगल है, लेकिन सबसे बेहतरीन एंगल ये वाला है, खूबसूरती यहाँ से देखें आप। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि ये ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब ये उसका साइड का हिस्सा है। एग्जैक्टली ये ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इसके जो ये है ये एग्जैक्टली लग रहा है यही चे थ्री डी डिजाइन है। माशाल्लाह, और दिमाग काम कर रहा है हमीदा बानो बेगम, एक खातून जो मुसलमान थी, तो उनका डिजाइन था ये, उन्होंने सब जो है गाइडेंस में, सारा गाइडेंस में हुआ, मतलब आर्किटेक्चर्स ने उनकी गाइडेंस में काम किया है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए मकबरा उनका। और बेस्ट आर्किटेक्ट इंडिया के और ईरान के मिलकर उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ कोनों पर चार चार पेड़ लगाए गए थे, ये पेड़ जो है खजूर के पेड़ हैं जी, अच्छा ये वाले हैं। और ये पीछे जो पेड़ हैं वो सी पाम है, समंदर के पेड़ हैं। अच्छा, और वो बीच के जो हैं वो चिनार, वो हिमालय के पेड़ हैं सामने। तो पूरी हिंदुस्तान से पेड़ मंगा कर लगाए गए, दिखाया गया कि जिस तरह की ज़मीन यहाँ की उपजाऊ और अडोप्शन वाली है। मुग़ल भी ऐसे हैं, हर एक अडोप्ट करते हैं, टैलेंट, अगर टैलेंट है आपके पास, आर्ट है, आर्किटेक्चर है और कुछ भी नेचुरल लव है, यू कैन कम स्टे विद अस एंड फ्लरिश योर स्किल्स इन इट। माशाल्लाह, मतलब आप देखिए कि मुगल्स के बारे में बहुत ज़्यादा एक लाइक अफवाह फैलाई जाती है और बहुत ज़्यादा एक रूमर्स तो है ही, बट उनके बारे में ये बोला जाता है वो जल्लाद थे, बदगुमानियाँ फैलाई जाती हैं और बुराई फैलाई, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर देखा जाए तो उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, बिल्कुल। इवन आज का जो लाल किला है तो वहाँ पे आप देखिए कौन रहता है, और वहाँ पे हिंदुस्तान का जो झंडा है 15 अगस्त को वहीं पे लहराया जाता है, वो 15 अगस्त वाले दिन। माशाल्लाह। दूसरा ये मैं बोलना चाह रहा था कि उनकी जो मेंटालिटी थी वो रेस्पेक्ट थी। तो बाहर उनकी मेड सर्वेंट हैं, फिर ऑफिसर हैं, ये नाई हैं और लोग हैं जो उन्होंने मरने के बाद भी जगह दी। लेकिन जब नई दिल्ली बनी और हिंदुस्तानी वर्कर्स ने इंडिया गेट के अराउंड जो बंगलोज बनाए थे ब्रिटिश के लिए, जब वो बन गई और उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया ब्रिटिश ऑफिसर ने बंगलोज, तो एज सून एज दे ऑक्यूपाइड द बंगलोज एंड दे वेंट इनसाइड, उन्होंने क्या किया, नोटिस भारत लटका दिए, डॉग्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड इन आवर बंगलोज। मतलब इंडियन, मतलब इंडियन कुत्ते हैं अंदर नहीं आ सकते, हमारे मुगल
वो ऐसे थे कि भाई चाहे वो दाई हो या नाई हो, गरीब हो या अमीर हो, इस्लाम की तालीमियत है ना, ये है इकराम मुस्लिम और एक इकराम हर इंसान का कि हर एक का जैसा दर्जा उससे वैसा बर्ताव करना। अंजलुन्नास मनाज़िर माशाल्लाह। सो गाइस हमारे इशरत अली खान साहब उनसे विदा ले रहे हैं माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन आपने हमारी रहबरी की माशाल्लाह, आपसे उर्दू ही सीखी है, जज़ाकअल्लाह आपका बहुत शुक्रिया। दीन का काम रहे, आमीन आमीन, फैलाएं बुराइयों को ख़त्म करने का जरिया बने, आमीन आमीन, जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइस हम अभी हुमायूं डोम के फर्स्ट फ्लोर पे हैं और पीछे देखिए, और यहाँ से हम नीचे से ऊपर आए हैं नीचे से, और सीढ़ियाँ बेहतरीन थी, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में 360 डिग्री शॉट हमने जो दिखाया आपको उसमें देख ही लिया होगा। और यहाँ पे देखिए उनके नाई का मकबरा है माशाल्लाह सामने, ठीक है, और अभी देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे अंदर। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा, लाइक ये सीढ़ियाँ 7 फुट के इंसानों के लिए बनाई गई, जिनकी उस टाइम पे हाइट जो थी 7 फुट थी, उस हिसाब से सीढ़ियाँ ये। और अभी हम अंदर जा रहे हैं और ये कारीगरी देखिए माशाल्लाह, ईरानी एंड इंडियन आर्किटेक्चर, और ये हुमायूं का मकबरा है ये बीच वाला, ये डमी मकबरा है, इसके नीचे हुमायूं की कब्र है नीचे। ज़मीन के अंदर 160 लोग हैं जैसे उन्होंने बताया, 160 लोग, पूरा पूरा इनका खानदान है नीचे। ये शैंडलियर जो है, शैंडलियर हाँ, ये इसको यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे था पहले, तो फिर ब्रिटिश ने इसको ले आके चेंज करके ये ला के लगा दिया, मतलब ये यहाँ का लेके गए महंगा वाला, और ये सस्ता वाला यहाँ पे ला के लगा, पित्तल का है, पित्तल का देख लो है, मतलब आप सोचिए कि जो ये इंग्लैंड वाले इतने अमीर बने फिरते हैं अभी, तो ये हमारे हिंदुस्तान से उठा के लेके गए हैं जो सामान, उसी की वजह से बने, ठीक है, इस दुनिया में ही छोड़ के जाना उन्होंने सब। हाँ भाई सब ने इस दुनिया में ही सब छोड़ के जाना है, सबको यहीं छोड़ के जाना है, कुछ लेके नहीं जाएगा कोई साथ में। तो गाइस वहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे थी हुमायूं की कब्र और ये उनके आई थिंक बच्चों की रिश्तेदारों की कब्र है। तो गाइस ये देखिए एक और कमरा, मतलब यहाँ पे जितने भी कमरे हैं वो हर कमरे में कब्र ही मिलेगी ना भाई, उनके बच्चों की, उनके रिश्तेदारों की, उनकी बीवी की, सबकी। ये देखिए ये याद आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री, उस पर श्रीलंका, अखंड भारत जिसको कहते हैं, इनके ऊपर सब में ये लोगों ने राज किया, एक टाइम तक ये लोगों ने वहाँ पे राज किया, तो साथ वही जाना है अपने अमाल, बाकी सब यहाँ रहना, सब ने यहीं पे चले जाना है। सो गाइस इसके चार कोने हैं, देखो चार कोनों में ऐसे ही फाउंटेन है, ये इधर था उस साइड में भी वैसा है, और इसके चारों कोनों सेम दिखते हैं, सेम टू सेम। तो गाइस ये देखिए हर जगह से सेम दिख रहा है, और हर जगह से जो नीचे जाना है वो यहीं से जाना है, और ये एकदम ऐसे टाउन स्लाइड में पूरी सीढ़ियां हैं माशाल्लाह। निज़ामुद्दीन दरगाह जा रहे हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के गाड़ी उठा के वापस। लो जी माशाल्लाह यहाँ पे अभी जा रहे हैं अंदर, गाइस यहाँ पे देखिए खाने का माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन, गरीबों को खाना खिलाने के लिए है यहाँ पे कुछ है। क्या होता है यहाँ पे, कैसे होता है ये कूपन उनको देना है जो भी गरीब है वहाँ पे बैठे हुए। अच्छा 40 रुपये, हाँ ये कूपन उनको देना है, तो यहाँ के इनके वो दे देंगे कूपन, उनको खाने खिला देंगे। अच्छा ओके, जो अपन करते हैं जुम्मे के दिन, हाँ तो जुम्मा वाला अपना जो कल रह गया था वो आज पूरा हो जाएगा माशाल्लाह। चलिए दो रोटी एक सालन है, ठीक है, तो ये वाला लेना है, ये वाला ले लें, कितना 20 ना, तो 20 कितना होता है अपना 30 ले लेते
मैं अपना 30 रुपीज़ का है ना, 40 का है, 40 तो 20 ले लो, 20 दे दो भाई। सो गाइस ये पूरा यहाँ पे पूरा मार्केट है और यहाँ पे अंदर दरगाह है और अंदर ही हमें मिलेगी मस्जिद भी, अभी मस्जिद में हमने नमाज पढ़नी है तो चलिए। माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो गाइस ये सामने जो है ये मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन और यहाँ पे ये मस्जिद है तो यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ेंगे। सो गाइस नमाज़ हो चुकी है माशाल्लाह, बेहतरीन मस्जिद है ये। सो आमिर भाई, तो गाइस ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार है, अल्लाह उन्हें बेहतरीन मकाम अदा करे, उनके दर्जात बुलंद करें, उनके दर्जात बुलंद करें। आमिर भाई ये क्या है, ये जो लॉक लगे हुए हैं लोगों के मन्नत के लॉक है, पर मन्नत तो अल्लाह पूरी करता है ना। मन्नत तो अल्लाह पूरी करता है भाई, अल्लाह लोगों को हिदायत दे, अल्लाह हिदायत। हाँ सही बात है, अल्लाह के बगीचे को मांगना शिर्क है। सो गाइस नमाज पढ़ ली है माशाल्लाह, अभी हम वापस जा रहे हैं। तो गाइस गार्लिक के कबाब बहुत फेमस है यहाँ पे, आएंगे अभी हम थोड़ी। सो अभी मरकज़ का राउंड मारने वाले हम, यहाँ पे मरकज़ है भाई। भाई मरकज़ मीन्स वही ना जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ये पूरा इंडिया का मरकज़ है। अच्छा ये माशाल्लाह। अच्छा सो गाइस ये मरकज़ की बिल्डिंग है यहाँ की निज़ामुद्दीन, माशाल्लाह तो बहुत बड़ी है। तो ये पूरा मरकज़ है गाइज़, ये पूरा वहाँ से लेके ये पूरा, तो यहाँ पे जितने भी जमात के लोग हैं यहाँ पे आते हैं ठहरते हैं, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड की जमात जाती है यहाँ पर माशाल्लाह। तो गाइज़ ये है गालिब और ये उसके कबाब माशाल्लाह। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी टेस्ट करते हैं गालिब के कबाब गर्मा गर्म, हा 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 माशाल्लाह। और ये है इसकी चटनी, बिस्मिल्लाह। बेहतरीन मलाई मलाई एकदम। जज़ाकअल्लाह ब्रो। सो गाइस ये बन रही है मटन सरफराज माशाल्लाह। तो गाइज आमिर भाई, तो गाइज हमने जो कल्लू भाई से ये सामान लिया था, भाई ने हमारे पैसे नहीं दिए अभी तक, भूल गए हम उससे लेने पैसे, तो पैसे लेने जा रहे हैं हम, हमारी पेंडिंग अमाउंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। आए क्या कूपन? तुम कूपन लेके आए तो तुम खरीदते कूपन पक्का भाई? कोई पैसे नहीं लेता ना आपसे, मतलब पैसे नहीं देते ना। दोबारा से हम आ गए ऑटो में माशाल्लाह, बेहतरीन सवारी, बेहतरीन हवा भी, गाड़ी पिक करेंगे हमारी जी अरे हो पलटी हो जाएगी। गाइस हम आए हमारा ब्लॉग देखने ऑडिटोरियम में, देखो आज प्रीमियर है, जज़न के ब्लॉग का प्रीमियर है आज, प्रीमियर है प्रीमियर। बंद हो गया ये, बंद हो गया ये गाइस, जामा मस्जिद के ब्लॉग का प्रीमियर देखने आया हूँ ना। बेहतरीन ब्लॉग चल रहा है गाइस माशाल्लाह, फुल प्रीमियर एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों भाई बैठ के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीछे वो दो भाई भी बैठे हैं हमारे। तो गाइस हमारा प्रीमियर देख के वापस घर पे आ चुके हैं माशाल्लाह, बेहतरीन वहाँ पे माहौल था और बहुत अच्छा लगा, इतनी बड़ी स्क्रीन पे व्लॉग दिखा देखने का मौका मिला, ऑल थैंक्स टू हमारे भाई आमिर भाई माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह भाई। और जिया जी का शुक्रिया, जिया जी और दीदी का, सिस्टर का शुक्रिया माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और हम सब अभी यहाँ पे
रात हो चुकी है, लाइक 12 बज चुके हैं, और मामूल ये है कि हम साथ में नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ, और हमारे भाई ने अजान दे दी है, आयान ने, जिसने कल दी थी। तो अभी अजान हो चुकी है, अभी हम सब बैठ के साथ में जमात में नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आ रहे हैं सारे मर्द इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह सब साथ में मिलके नमाज़ पढ़ेंगे। तो आपसे भी ये हम गुजारिश करना चाहते हैं, अपने घर पे नमाज की पाबंदी करें, घर में बच्चों को किरात कीरत सिखाएं, ना भाई कीरत बोलते हैं ना, नमाज की किरात, नमाज की किरात सिखाएं, तजवीद सिखाएं, सो दैट वो अपने घर पे ऐसी अजान दें और नमाज पढ़ें साथ में, है ना। क्योंकि घर का माहौल जैसे रहेगा वैसे, लाइक बड़े जिस तरह से माहौल रखेंगे घर का, वैसे बच्चे सीखेंगे और उसी हिसाब से लाइक आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस चीज़ की पाबंदी करें। तो चलिए मिलते हैं अभी नमाज के बाद। आज हम निज़ामुद्दीन की जो मज़ार पे गए थे माशाल्लाह, उसके बारे में आमिर भाई को कुछ कहना है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो लाइक दंग रह गए हम देख के, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे भाई? काफ़ी टाइम से मैं वही बोलना चाहता था, लेकिन लोग गालियाँ देंगे इसलिए मैं बोलता नहीं था, लेकिन अभी गाली दिया चलेगा। लेकिन बहुत बुरा लगा देख के कि लोग लिटरली वहाँ के लाइन लगा के सजदा कर रहे थे, और सजदा करना अलाउड नहीं है। औरतें बाहर से आके उनके चौकट पे सर टिका दिया, मतलब सर झुका दिया, मतलब सजदा हो गया, राइट। सही बात है। वहाँ पे आके मर्द जो है अंदर आके उनकी मज़ार के पास आके वहाँ पे सजदा करके जा रहे थे, चादर में सर रख के फिर सजदा करके फिर जा रहे थे। तो ये मतलब उनको भी कितना दुख होता होगा कि यार हमने उन्होंने क्या यहाँ पे दीन को किस तरीके से फैलाया, और यहाँ के लोग उनके पीछे से लोग किस तरह से कर रहे हैं, लोगों ने उन्हीं को ये बना दिया, खुदा बना दिया, उन्हीं को सजदा कर दिया। और दूसरी चीज़, इवन जो मुफ्ती सलमान अजहरी, उन्होंने उनका बयान भी मैंने सुना था, जो वो बरेली के हैं, आई थिंक वो बरेली हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने खुद बोला अपनी ज़ुबान से कि सजदा करना जायज़ नहीं है, मतलब जो लोग वहाँ पे जाके सजदे करते हैं वो जायज़ है ही नहीं। इवन हम भी मज़ार पे गए गैस, तो हमने वहाँ पे जाके उनके लिए दुआ की, है ना, उनके लिए हमने दुरूद शरीफ पढ़ा, उनके लिए शरीफ मतलब फातिहा जैसे होता है, तो वो किया, उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें आला मुकाम दे, उनके मुकाम बुलंद करे माशाल्लाह। तो दुआ की हमने,